सारा एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है. रोज़ा रमज़ान इज़ अ वेरी प्रेशियस मंथ हम सभी के लिए, और अच्छा होता है कि मैं बैलेंस कर पाती हूँ काम और रोज़े दोनों भी. सो क्या खाकर आप अपना रोज़ा तोड़ती हैं? अभी तो मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रूट खा के आई हूँ, बिकॉज आई न्यू हैड टू कम हियर. सो फ्रूट एंड यूजली थोड़ा कुछ लाइट इकट्ठा अगर कुछ खा लें तो ठीक है. चलिए आज के अटायर के बारे में जानना चाहेंगे, वाइट एलिफेंट. आई एम सो एक्साइटेड फॉर मयूर, क्योंकि वो मेरे बहुत ही दिल के करीब वाले जो डिज़ाइनर्स होते हैं ना, उनमें से एक हैं. बहुत ज़्यादा चाहती हूँ मैं उनको, क्योंकि वो बहुत ही एक अच्छे इंसान हैं और इसलिए उनका काम इतना अच्छा लगता है. सो आई लव वेयरिंग व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे. इट्स फ्रॉम हिज न्यू ब्रेथ लाइन वाइट एलिफेंट. एंड बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं मैं उन्हें देना चाहूँगी, एंड आई होप ही डज रियली वेल इवन इन हिज ब्रेथ लाइन. ओके, क्योंकि समर टाइम भी चल रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि समर टाइम में किस तरह के अटायर को पसंद करती है, किस तरह के कलेक्शन को गौहर जी पसंद करती हैं? अभी जिस किस्म की गर्मी चल रही है मुंबई में या पूरे इंडिया में, एक्चुअली आप जितना लाइट पहने उतना ही बेहतर है. ऑब्वियसली वो तो कोई, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, किसी को बोलना नहीं पड़ता कि आप सिल्क से दूर रहिए या आप सैटिन से दूर रहिए. एवरीबडी लव्स कॉटन. अपकमिंग फिल्मों की अगर मैं बात करूँ, हमें बेगम, मैं अपने काम की बात करने नहीं आई यहाँ पर, मैं मयूर के लिए आई. जान देखा लोगों ने आपकी एक्टिंग को, थैंक यू सो मच. आफ्टर दैट क्या धमाका करने वाले हैं? काम के बारे में बाद में बात करेंगे, इस वक्त मैं मयूर के लिए आई. थैंक यू बहुत.